उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। बीएसपी जहां सबसे पहले उम्मीदवारों का नाम घोषित कर आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस और सपा ने कुछ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने ही पार्टी की परेशानी बढ़ाई हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे जहां बीजेपी के लिए खुशी लेकर आए, तो वहीं सपा बसपा के गठबंधन के लिए निराशा, जिसके बाद गठबंधन टूट गया और सपा बसपा की राहें अलग हो गई, जिसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी ने एकला चलो की नीति अपनाते हुए उपचुनाव की रणनीति को धार देना शुरू कर दिया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गयी। कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ये उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसके चलते पार्टी में टेंशन का माहौल बना हुआ है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी रणनीतिकारों ने विचार विमर्श के दो चरण पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकला है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी की हर एक सीट पर 20 से लेकर 25 दावेदार हैं। हैरान करने वाली और दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जिन सांसदों का टिकट बीजेपी ने काट दिया था, वो भी विधायक बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। बीजेपी में एक एक सीट पर कई दावेदार, बाराबंकी के जैतपुर में 28, लखनऊ के कैंट में 25, फिरोजाबाद के टुंडला में 20 दावेदारों ने सीट पर अपना दावा ठोक रखा है। कहीं कहीं इनसे भी ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं। दरअसल बीजेपी का 2014, 2017 और 2019 का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, यही वजह है कि लोगों की दावेदारी बढ़ी है। फिलहाल पार्टी की ओर से जिताऊ कार्यकर्ता को टिकट देने की उम्मीद ज्यादा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि संघ के साथ बैठक कर नामों की चर्चा होगी, इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा उपचुनाव को लेकर बहुत मजबूत तैयारी कर रही है। प्रत्याशियों का चयन करना शीर्ष नेताओं का काम है, उस पर भी मंथन चल रहा है। जहां जहां चुनाव होना है वहां लगातार कार्यकर्ताओं और जनता से संपर्क भी चल रहा है। हम हर सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। वैसे देखा जाए तो आम तौर पर विधानसभा उपचुनाव को सत्तारूढ़ दल के लिए आसान माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ उपचुनाव में बीजेपी के लिए ये धारणा गलत साबित हुई है। ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खैर, अब बीजेपी किन दिग्गजों पर दाव लगाती है और वो उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।